लेंथ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेंथ है ना बहुत ज़्यादा पसंद। एक लेंथ है इसके अंदर, दूसरा लेंथ है, लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। मैच में एक बार हम लोगों ने लगाया था इसको, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना उसी टाइम पे इसको लगा था, इसके ऊपर ही एडजस्ट किया था मैंने इसको, इसके ऊपर ही एडजस्ट किया इसको। बेंच पावर सोर्स वॉल्यूम मैदान ओड़ा HDMI 1, HDMI 2, audio in, audio out, yes, cord, then the monitor out, PCB, 2 PCB, 1, USB mini, mini USB. एक ये लेंथ है प्रोजेक्टर का, ये देखते हैं अंदर से पूरी तरीके से परफेक्ट बन गया। ये इसके ऊपर ही ना, ये जो लेंथ है ना इसके ऊपर ये कम ज़्यादा होता रहता है, इधर आपको ये देखो, ये देखो ये जो लेंथ है ना जूम करते हैं, ये देखो काम ज़्यादा होता है। इससे ये ऑन हो सकता है, ऑन हो जाएगा इससे ऑन ये सोर्स पर। मैं HDMI 2, HDMI 1 इसके ऊपर, ये देखो बैक मेनू ऑटो इको ब्लैंक वॉल्यूम, ये चैनल आगे पीछे हो सकता है, इससे वॉल्यूम ये सब पावर टेम्परेचर लैंप इससे हम ना इससे कर सकते हैं। ये कुछ और लगाएगा बेंच बेनो बेनो कंपनी का है, ये जो है ना इसका रिमोट इधर यहाँ पे दिया, इससे ऑन कर सकते हैं आप, इससे ऑन इससे ऑफ, फिर PC 1 सोर्स सोर्च के ऊपर आपको मिल जाएगा HDMI 1, HDMI 2 केबल अगर है केबल के ऊपर, इससे वॉल्यूम आगे या पीछे से चैनल आगे
मेनू में आप जा सकते हैं, सो बैग, इको ब्लैंक, ऑटो, फ्रीज मोड, वॉल्यूम, इससे जूम कर सकते हैं आप, इस पर जूम कम कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा इसके ऊपर है, सीसी टेम्परेचर, स्मार्ट क्विक इंस्टॉल दे देंगे, 3D सेटिंग, सेटिंग भी 3D कर देंगे, यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से देखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा ना, ये देखो 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 ना, ये तो एक दिख रहा था ना, ये 6 एम्पीयर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 एम्पीयर का ये लाइन, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे बोर्ड है, मतलब जो ये भी जो वायर है ना, ये नॉर्मल है, 1 mm का आई थी वायर रहेगा, मुझे ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा, 0.7 mm नॉर्मल ही वायर है, उतना हैवी वायर है नहीं, प्रोजेक्टर आप भी लगा सकते हैं, इतना बहुत बड़ी बात नहीं, उतना भी हैवी नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है कम से कम इसका प्राइस 30,000 या 40,000 का हो जाएगा, मुझे इसका लेंथ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, लेंथ है ना बहुत ज़्यादा पसंद, एक लेंथ है, इसके अंदर दूसरा लेंथ है, लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा इसका पसंद है, मैच में एक बार हम लोगों ने लगाया था इसको, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना उसी टाइम पे इसको लगा था, इसके ऊपर ही एडजस्ट किया था मैंने इसको, इसके ऊपर ही एडजस्ट किया इसको, इसके ऊपर एडजस्ट, अच्छा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ ना प्रोजेक्टर, ये देखो स्विच ऑन ऑफ सोर्स के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये जैसे ख़राब हो चुका है, मतलब इसको रिपेयर करना है, इसको जिसको रखा चालू करके दिखा दे सकता हूँ, मतलब रिपेयर करना है, ये प्रोजेक्टर का यही प्रॉब्लम होता है कभी जो ख़राब हो जाता है, इसकी ये गैप दिखे इसके अंदर ये ख़राब हो जाता है कभी इसके अंदर, इसके इस एंगल से तो उसको देख सकते हैं, इस एंगल से अंदर से देखा जाएगा, थोड़ा बहुत हवा अंदर जाना चाहिए ना इसके वजह से, नहीं तो गर्म हो जाएगा ये, इसके वजह से ये यहाँ पर बैक साइड से देखने में दिखा देता हूँ, ये देख लो बैक साइड से अंदर से देख लो किस तरह यहाँ से इसको, ये जो दिख रहा है, एक दो तीन चार, अगर ये रिपेयर करने के बाद इसके बारे में पर इम्प्रूव आते हैं, ये जो दिख रहा है ये आगे भी जा सकता है, ये लॉक रहता है उसको, अगर ये रिपेयर होने के बाद एक बार आपको फुल वीडियो में बात बना देता हूँ, एक बार इसको रिपेयर होने दें, इसके बाद इसका टेक्नीशियन जो रहता है वो अलग रहता है, इसकी वजह से इसको हम लोग, और वारंटी के अंदर रहेगा ना तो इसको हम लोग हाथ भी नहीं लगाते, वारंटी के अंदर रहेगा तो कंपनी वाले बाद में बोलते इसको हाथ किसने लगाते दोस्तों, तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्टर का वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ सही लगा है ना तो इसका ये जो है ना बहुत अच्छा प्रोजेक्टर, मैंने प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया नहीं था, आपके साथ वीडियो शेयर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।